everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. तो जी आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम मैं एक स्मिटन वीडियो लेके आई हूँ यार. स्मिटन से आजकल पता नहीं क्यों शॉपिंग करने का मन ही नहीं होता बिकॉज आई डोंट फील लाइक द स्मिटन इज सेम एज इट यूज टू बी. अब कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं तो ठीक है मन कर जाता है लेने का. और मैंने जब ये बॉक्स लिया तब भी कुछ ऑफर चल रहा था. कोई सा तो भी पास उस वक्त एक्टिवेट करवाया था मैंने जिसके मुझे 9 rupees एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे. वैसे ये जो मुझे फुल बॉक्स है ये मुझे 299 rupees में मिला है और इसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रिडीम करे हैं. आई थिंक मुझे 12 ट्रायल पॉइंट्स मिले थे. यूजुअली हमें 6 ट्रायल पॉइंट्स मिलते हैं बट वो पास एक्टिवेट कराने के बाद इन टोटैलिटी में मुझे 12 पॉइंट्स मिल गए थे. तो उससे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रिडीम करे. और प्रोडक्ट्स ही नहीं उसके अलावा मैंने कुछ यू नो रेफरल रिवॉर्ड्स भी रिडीम करे हैं एज यूजुअल. तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. और गाइज जब भी स्मिटन से ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये मेरा कूपन कोड है इसे लगाना मत भूल. तो जी फर्स्ट बॉक्स मेरे पास इधर पे है और चलो एक एक करके हम देखते हैं. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था इधर पे वो था ये सिंपल फेस वॉश. और ये वाला है इनका रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. तो ये कुछ इस तरीके से है और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिला है. लाइक ये 50 ml की क्वांटिटी मिली है इन जस्ट आई गेस वन ट्रायल पॉइंट में ये 50 ml मिला है विच इज़ गुड बिकॉज सिंपल का फेस वॉश फुल साइज देखने जाओ तो आई थिंक 150 ml कुछ का आता है. थोड़ा महंगा ही आता है. और इसका ना मैंने ड्राई स्किन वाला यूज़ कर रखा है. मतलब अभी मैं डेली बेसिस पे वही यूज़ कर रही हूँ. वो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट होता है क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन भी ड्राई हो जाती है तो मॉर्निंग में मैं वही यूज़ करती हूँ. एंड सिंपल के फेस वॉशेज यार काफ़ी अच्छे होते हैं. मतलब काफ़ी काइंड टू स्किन होते हैं. तो मैंने सोचा ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं. और ये है इनका 100% सो फ्री और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है. देर इज़ नो कलर नो परफ्यूम नो हार्श केमिकल्स इन दिस. सो ये काफ़ी अच्छी डील है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी स्मिटन से आप ये जरूर से ट्राई करना अगर अभी भी अवेलेबल होगा तो ट्राई करके. ओके सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगाया था ये रेने का पीएच स्टिक लिप बाम. सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया छोटा सा है ये. और ये प्रोडक्ट अभी यार कितना ज़्यादा वायरल हुआ था लाइक ब्लैक लिप बाम करके. और ये मुझे 2 trial points में बहुत ही कम मिला है 1.3 grams का मिला है ये कुछ इस तरीके से. और ये ब्लैक कलर का है बट आप जब इसे लिप्स पे लगाते हो या स्किन पे कहीं पे भी लगाओ तो ये आपके पीएच के अकॉर्डिंग कलर पिगमेंट देगा आपके लिप्स पे. ये ना बहुत 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 ही ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट था. मतलब मैंने इतने लोगों को देख लिया था इसको यूज़ करते हुए. जो लास्ट बिग बॉस का सीजन था उसमें टीना दत्ता भी इसको बहुत लगाती थी. उसने कभी ऐसा एडवर्टाइज नहीं करा बट हाँ देख के तो समझ आ ही जाता है. मतलब मैं समझ जाती थी ये वही लगा रही हूँ. वो अपने माइक के पाउच में भी रखती थी इसको तो तब से मुझे इसे लेने का बहुत मन था बट कभी मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे लिप बाम्स हैं कि मैं क्या ही करती लेके. इस बार मुझे स्मिटन पे 2 trial points में मैंने इसको लिया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा. मुझे माइग्लैम का जो पीएच लिप बाम है वो मुझे इससे ज़्यादा पसंद है. उसका टिंट इससे ज़्यादा अच्छा है और इससे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है तो मुझे ओके ही लगा. एंड यू कैन स्किप दिस. अब रहने की बात हो ही रही है तो एक और रहने का बहुत ही ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है जो कि है इनका ये बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर. सो ये भी बहुत छोटा सा ही कुछ इस तरीके से. ये भी अगेन मुझे 2 trial points में मिला है और इसमें आपको 3 grams की क्वांटिटी मिलती है. सो ये कुछ ऐसी डिब्बी में आया है एंड इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी आप देख सकते हो. काफ़ी कम क्वांटिटी है. वैसे प्राइमर की ज़्यादा क्वांटिटी लगती भी नहीं है तो आई थिंक ये 5-6 बार चल जाएगा अच्छे से. इसको अभी मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट यूज़ करके नहीं देखा तो मुझे नहीं पता बट हाँ मेरे पोर्स वगैरह है तो इसमें लिखा हुआ है इंस्टेंटली फाइन लाइन रिडक्शन फिल्टर फिनिश स्मूथ स्किन. तो इसको यूज करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अभी यूज़ तो करा नहीं है तो आई डोंट नो कि ये कैसा होने वाला है बट आई होप कि अच्छा ही होगा. अगर आप में से किसी ने ये यूज़ करा है तो मुझे कमेंट करके बताना इसका रिव्यू. फिर मैंने लिया था फिगारो का बेबी मसाज ऑयल और ये भी सिर्फ मुझे 1 trial point में मिला है. और देखो कितना क्यूट सा है ये. लाइक बेबीज़ की मसाज तो फिगारो ऑयल से ही होती है और ये 100 ml का है तो इतनी अच्छी क्वांटिटी मिलती थी तो मैंने सोचा ले लेते क्योंकि आई थिंक फिगारो के जो ऑयल्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव ही आते हैं. और ये 100 ml का है और ये मुझे 1 trial point में मिला है सिर्फ. और वैसे इसकी प्राइस है 199 rupees. वैसे तो ये ट्रायल प्रोडक्ट ही है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. और ऑफकोर्स मेरे पास कोई बेबी तो नहीं है बट हाँ मैं खुद की मसाज तो इससे करवाई सकती हूँ. बस कोई मसाज करने वाला होना चाहिए. और अगर मसाज नहीं भी करी तो क्या हो गया, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो बॉडी में ही लगा लेंगे क्योंकि अभी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है. और ये काफ़ी क्यूट सी बॉटल है यार और ये मुझे 1 trial point में मिल रही थी तो मैंने सोचा ले लेते हैं. इतने ज़्यादा ट्रायल पॉइंट्स तो है नहीं. देन जो नेक्स्ट मैंने मंगाया है वो है मेरा फेवरेट हेयर ऑयल और ये है मामा अर्थ का रोज मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल. और ये 20 ml का प्रोडक्ट मुझे मिला है 1 trial point. वो आई थिंक थोड़ा सा मैं इसमें लुट गई. मुझे लगा था ये 50 ml वाला होने वाला है बट ठीक है ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ मुझे काम आता है तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही ले लेती हूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरे ऊपर वर्क भी कर रहा है तो ये ऑयल मेरे ऊपर अच्छे से सूट हो. देन नेक्स्ट मैंने एक बहुत ही अलग सा प्रोडक्ट मंगाया. ये नाम्या से है सूदिंग एंड कामिंग आफ्टर वैक्स सिरम. सो ये 30 grams का प्रोडक्ट है और ये मुझे 2 trial points का मिला था. तो मैं अपने फेस वगैरह की वैक्स करती हूँ बॉडी की भी वैक्स करती हूँ और उसके बाद लगाने के लिए एक अच्छा सा कामिंग सूदिंग सीरम होना चाहिए तो उसके लिए मैंने इसको परचेज़ करा है. अभी आप देख सकते हो कि दिस इज़ टोटली सील्ड. मैंने अभी इसको यूज़ भी नहीं करा है
तो इसको यूज़ करके देखेंगे कैसा वर्क करता है। लास्टली अगेन मैंने वही चीज़ मंगाई है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और जो मुझे सूट करती है, तो वो है ये मेरा फेवरेट 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 प्रोडक्ट। आई थिंक मैंने इस पर डेडिकेटेड रिव्यू भी बनाया हुआ है। सो ये है डॉट एंड की का 72 आवर्स हाइड्रेटिंग जेल। ये पैक्ड है अभी तो, और ये मैंने इतना यूज़ करा है और इसकी इतनी बॉटल्स फिनिश करी हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूट से उसमें आता है। इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत प्यारी है, मतलब बहुत माइल्ड सी है, सूदिंग सी है, कामिंग सी, रिफ्रेशिंग सी है, और मेरे स्किन पे ये इरिटेट भी नहीं होती है। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि मुझे फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत हार्श फ्रेग्रेंस है तो मुझे उससे प्रॉब्लम है, बट इसकी वैसी नहीं है। और इस पर तो मैंने फुल डेडिकेटेड रिव्यू बनाया हुआ है यार, दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। ये स्किन को इतना ज़्यादा प्लम्पी जूसी करके रखता है, हाइड्रेट करके रखता है। तो आप भी अगर कुछ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। ये मुझे 2 ट्रायल पॉइंट्स का मिला है। तो इधर पे मेरे 12 ट्रायल पॉइंट्स पूरे खत्म हो चुके हैं। अब इसके अलावा मैंने उधर से कुछ परचेज करा है। लाइक जब आप अपने ट्रायल पॉइंट्स ऐड टू कार्ट कर लेते हो ट्रायल प्रोडक्ट्स, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी सारे मिलते हैं जो कि आप परचेज भी कर सकते हो, जो इसकी स्टार्टिंग होती है 10-15 रुपीज़ से। तो मैंने 49 रुपीज़ में मंगाया है ये डॉट एंड की का रेटिनॉल प्लस कैफीन आई क्रीम। अगेन मैंने डॉट एंड की का रेटिनॉल सिरम यूज़ कर रखा है, उनकी नाइट क्रीम यूज़ कर रखी है, जिसका मैंने रिव्यू भी शेयर करा हुआ है अपने चैनल पे। तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देखते हैं। सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल रहा है यार, तो क्या ही जा रहा है 49 रुपीज़ देने में। और ये प्रोडक्ट 450 रुपीज़ का है, 21 ml की क्वान्टिटी और पूरा सील्ड है। और इसमें ना एक्सपायरी का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। हाँ, 26 में जाके एक्सपायर होगा। 450 रुपीज़ का प्रोडक्ट मुझे सिर्फ 49 में मिल गया, और क्या ही चाहिए। तो ये कुछ ऐसा टाइप का है प्रोडक्ट, और इसकी मैं फ्रेग्रेंस लेना चाहूँगी। तो इसमें से वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे इनकी नाइट क्रीम और उसमें से आती है सिरम में से। अभी तक रेटिनॉल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करे हैं, बस डॉट एंड की का ही यूज़ करा है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा ये आई क्रीम भी लेके देखते हैं। और अब आज से मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, फिर मैं इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो जी, हमारे ट्रायल प्रोडक्ट्स इधर ही खत्म होते हैं, अब हम आ जाते हैं रेफरल प्रोडक्ट्स पे। सो सबसे पहला मैंने मंगाया था ये लेट्स शेव का एवियोर फेस रेजर, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आती है, और मैं आई थिंक स्मिटन से ही आजकल सारी फेस रेजर्स मंगाती हूँ, बॉम्बे शेविंग के हो गए चाहे इसके हो गए, और इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये कुछ इस टाइप से आया है, और ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 80 smitten bucks में। 80 smitten bucks में काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि इसकी MRP ही 133 rupees है, तो 80 bucks में मुझे काफ़ी सही प्रोडक्ट मिल गया। देन नेक्स्ट मैंने ऐसे एक रैंडम सा प्रोडक्ट मंगाया, तो ये सोप ट्रे है। मुझे लगा था ये थोड़ा सा बड़ा आएगा साइज़ में, बट ये काफ़ी छोटा आया, क्योंकि मैंने इसे एज अ सोप ट्रे यूज़ करने के लिए नहीं मंगाया था, मैंने इसे ऐसे ही कुछ डेकोरेशन के लिए मंगाया था, लाइक फॉर होम डेकोर पर्पज़। बट काफ़ी क्यूट आया, लाइक काफ़ी प्यारी सी वुडन फिनिश में आया, तो ये कहीं ना कहीं तो मैं यूज़ कर ही लूँगी, मे बी इस पर कुछ पॉट वगैरह रख दूँगी। काफ़ी अच्छा है, लाइक फिनिश भी काफ़ी अच्छी और प्रॉपर वुड है, तो ऐसे वुडन आर्टिकल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 90 smitten bucks। ओके, देन नेक्स्ट मैंने एक शीट मास्क मंगाया, जैसा कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, शीट मास्क मैं वैसे तो ना इतने शीट मास्क मेरे पास पड़े हुए हैं, बट मैं यूज़ करना ही भूल जाती हूँ। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज़ हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क, और हाइलुरोनिक एसिड प्लम्प्स अप योर स्किन, और ये मुझे मिला था 100 rupees में। तो ये काफ़ी प्यारा प्रोडक्ट है, मतलब तो ये कैसा है वो तो यूज़ करके पता चलेगा, और इसकी प्राइस है 149 rupees, बट ये मुझे 100 smitten bucks में मिला है। और इसमें लिखा है हाइड्रेशन बर्स्ट इंटेंस हाइड्रेशन प्लम स्किन ग्लोइंग स्किन, काफ़ी अच्छा है, तो देखती हूँ आज ही ट्राई करूँगी इसको यूज़ करने। मैंने अगेन अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स मंगा लिए, ये मुझे रेफरल सेक्शन में भी दिख गए, तो मैंने सोचा ठीक है मंगा लेते हैं। तो मैंने इसकी 2 quantity ऑर्डर करी है, और ये अगेन वही है डॉट एंड की का 72 hr हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर विद प्रोबायोटिक्स, और ये मुझे मिला है 100 each का, विच मीन्स ये मुझे 200 में 2 मिले। वैसे ना आजकल यार स्मिटन बक्स पे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं, इसलिए कुछ रिडीम करने का भी मन नहीं करता है, बट ठीक है कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम रिडीम कर लेते हैं। आपने मेरे हर रेफरल वीडियो में देखा होगा, ये है बॉम्बे शेविंग कंपनी का बॉडी वैक्स स्ट्रिप, ये मैं हमेशा मंगाती हूँ वहाँ से, और इसकी प्राइस है 99 rupees, और ये मुझे मिला है 70 smitten bucks में। पहले आई थिंक 100 का मिलता था, अब 70 का मिला है, विच इज़ अ फेयर डील। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर भी वहाँ अवेलेबल था, वैसे ही मेरा फेवरेट फेस वॉश भी वहाँ पे अवेलेबल था, बट ट्रायल पैक्स में तो मैंने मंगा लिए। मैंने इसके 3 ट्रायल पैक्स मंगाए थे, 15 ml ईच के हैं ये, और ये है मेरा फेवरेट फेस वॉश। लाइक मेरे स्किन पे कुछ और सूट होना हो ये तो हो ही जाता है, तो ये है डॉट इन की का सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश, और ये 15 ml के, तो ये मैंने 3 मंगाए थे, और ये यार मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट होते हैं, दैट्स द रीज़न वाई मैंने अभी इसका फुल साइज़ भी मंगा लिया है, उस रूम में रखा है, नहीं तो मैं आपको लाके दिखा देती। और उसके आई थिंक मैंने ऑलरेडी 2-3 बॉटल्स फिनिश करे हुए हैं, और ये ट्रायल वाले तो पता नहीं कितने कर रखे हैं। तो ये मुझे मिल गया था 70 each, विच मीन्स 210 में मुझे 3 मिले थे, एक ऑलरेडी मैंने फिनिश कर दिया यूज़ करके। सो दिस इज़ माई फेवरेट फेवरेट फेस वॉश, और गाइज अगर आपकी भी एक्ने प्रोन या ऑयली या कॉम्बिनेशन के ना, तो ये वाला फेस वॉश ज़रूर से ट्राई करके देखना, ये उनके ट्रायल सेक्शन में भी मिलता है फॉर आई थिंक 1 trial point।
तो जैसा आपको पता ही है कि मेरी पिंपल प्रोन स्किन है, तो पिंपल प्रोन स्किन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने डॉटन की का ये सैलिसिलिक प्लस जिंक एक्ने बर्स्टिंग फेस सिरम मंगाया था। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है एंड इसमें टी ट्री एंड सीका है, और ये मुझे मिला था 366 रुपीज़ में, और ये फुल साइज प्रोडक्ट है। तो इसका प्रोडक्ट मैंने निकाल के अंदर रख लिया। हाँ, इसमें बॉटल नहीं है। ओके, खुल भी नहीं रहा है। तो हाँ, इसमें अभी बॉटल नहीं है क्योंकि वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और ये 30 ml का प्रोडक्ट है, फुल साइज़ प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी डील में मुझे। ओके, तो मैं उठा के लाई थी बॉटल और मैं भूल गई। तो ये है वो बॉटल एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। लाइक डॉटन की पैकेजिंग के लिए ऑलवेज थम्स अप, लाइक अ बिग बिग थम्स अप। सो ये बॉटल है और यही है सैलिसिलिक एसिड सीरम। इसको मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊंगी ये कैसे। नेक्स्ट ना, मैंने ये आई थिंक पहले भी किसी वीडियो में शेयर कर रखा होगा कि ये मैंने केरेस्ट का बेरी ब्लश डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी योगर्ट मंगाया था, और ये इतना 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 ज़्यादा पसंद है मुझे, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड। और देखो ये वाला तो पूरा फिनिश भी हो चुका है। सो ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, बट विंटर्स के अलावा आप इसे हर सीज़न में यूज़ कर सकते हो। विंटर्स के लिए तो मैं आपको बोरोप्लस का ही बॉडी लोशन, बोरोप्लस बोलती हूँ मैं, पता नहीं क्यों, बोरोप्लस का ही बॉडी लोशन आपको रिकमेंड करूँगी। दैट इज़ द बेस्ट एवर बॉडी लोशन। वो इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखता है कि नेक्स्ट डे तक भी उसका मॉइस्चराइजेशन रहता है, बट वो समर्स और बाकी सीजन्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो हैवी कर देता है। बट ये काफ़ी प्यारा है, ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा वगैरह नहीं लगता। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने इसका एक और मंगा लिया। और ये आप देख सकते हो अभी पूरा सील्ड है, इसको अभी मैंने खोला नहीं क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं और मैं अभी वो वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये पहले मैंने मंगाया था तो मुझे 300 स्मिटन बक्स का मिला था, और इस बार मैंने मंगाया तो मुझे 400 स्मिटन बक्स का मिला है। तो प्राइस वेरिएशन भी है, बट या दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। तो केलेस्टा का ही मैंने बेरी ब्लश शैम्पू भी मंगाया था जो कि अभी मेरे बाथरूम में है इस वक्त। पिक्चर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। 300 ml का काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी आई थी और डिसेंट शैम्पू है, और ये मुझे 500 स्मिटन बक्स का मिला था। अभी मेरे पास है नहीं आपको दिखाने को, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। और इसी तरीके से मैंने बेरी ब्लश का ये फेस वॉश भी मंगाया है, और ये 400 स्मिटन बक्स का मुझे मिला है। इसमें क्वांटिटी 200 ml है, सो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। और इसमें छोटे छोटे ना वो बेरी बर्स्ट, जैसा कि हमारे क्लीन एंड क्लियर फेस वॉशेस आते थे उसमें स्ट्रॉबेरी बर्स्ट वाले मॉर्निंग एनर्जी समथिंग आता था, वैसे इसमें छोटे छोटे बर्स्ट हैं। और इसको अभी तक मैंने यूज़ करके नहीं देखा है, बट इसमें से काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। बट यार ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हार्श होने वाला है, सो मे बी मैं एज अ बॉडी वॉश यूज़ कर लूँ, या फिर मैं अपनी मम्मी या भाई को दे दूँगी क्योंकि उन्हें ऐसे फेस वॉशेस यूज़ करना पसंद है। उन्हें जो जैसे मैं सिंपल वगैरह की यूज़ करती हूँ ना, वो उन्हें अच्छे नहीं लगते बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम उसमें कुछ लैदर ही नहीं आता। तो ये मैं उनको दे दूँगी, अदरवाइज मैं ऐसे एज अ बॉडी वॉश यूज़ कर लूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल जाती है, 200 ml क्वांटिटी इन जस्ट 400 रुपीज़। फिर मैंने ये अगेन दोबारा से रिपर्चेज करा है, और ये है जस्ट हर्ब्स का सिल्क स्प्लैश रीहाइड्रेंट फेस वॉश। इसका मैंने एक फुल वीडियो भी शेयर कर रखा है, ये बहुत प्यारा फेस वॉश है, बहुत ज़्यादा जेंटल है स्किन पे, बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन भी कर देता है। ये मैंने मंगाया था 300 स्मिटन बक्स में, और आपको इसमें 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। सो अगेन अ ग्रेट 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 प्रोडक्ट। फिर ना मैंने एक टोनर मंगाया था, मेरा फेवरेट टोनर है ये, मतलब फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा TNW का टोनर, सेकेंड नंबर पे ही आता है। तो ये है बेला वीटा का जी ग्लो फेस टोनर, और इसमें ना फ्रेग्रेंस है तो इसी वजह से मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, बट ये अच्छा है। सो ये कुछ इस तरीके से कांच की बोतल में आता है, और ये बहुत प्यारा टोनर है, इसमें बहुत प्यारी सी सिट्रसी फ्रेग्रेंस आती है। ये मुझे 49 स्मिटन बक्स का मिला था, और इसमें क्वांटिटी मिल जाती है 10 ml। ट्रायल सेक्शन से ट्राई कर रहा था, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा से इसको मंगा। फिर नेक्स्ट ना मैंने एक ये परफ्यूम मंगाया था, और ये ग्लेशियल ड्रीम्स इटैल विलॉस का है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, और लाइक थोड़ी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। ये 10 ml का है, और ये भी आई थिंक मुझे 30-40 रुपीज़ में मिला होगा। देन नेक्स्ट ना मैंने ये केबल कनेक्टर्स खरीदे थे। इससे क्या होता है ना, आपका जो आपके चार्जर की केबल है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है, और जिनके पास आईफोन है उन्हें तो पता ही होगा यार कितना ज़्यादा झंझट हो जाती है, और इतना महंगा आता है ना कि क्या करें। और एनी विच वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें से मैंने 2 अभी अपने फ़ोन के चार्जर में लगाए हुए हैं, और ये मुझे बहुत ही सस्ता मिला था, तो ये मुझे सिर्फ 100 rupees में मिला था, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट डील। और ये अभी बाकी के 2 रखे हुए हैं, ये भी यूज़ हो ही जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक ये USB लाइट भी मंगाई थी, ये 50 rupees की थी। इसको जस्ट आप अपने अडैप्टर वगैरह में लगा दो एंड लाइट दे देती है अच्छा खासा। तो इसको भी मैंने अभी ऊपर ही है, मैं लाना भूल गई इसको। तो आई थिंक यही लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल का। तो ये गाइस लास्ट प्रोडक्ट था, और आज का हॉल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मेरा रेफरल कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।